हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और गेंगिस खान, जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। गेंगिस खान जो एक छोटे से काबिले से था, उसके बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बदले की आग उसके आंखों के सामने ऐसे दहक रही थी कि उसने अपने सगे भाई को तक मौत के हवाले कर दिया था, और उन लाशों के ढेर पे उसने मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। वो साम्राज्य जो अपने राज में चाइना से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। इनफैक्ट गेंगिस खान का दबदबा इतना ताकतवर था कि उसके मरने के बाद भी उसने 40,000 लोगों को मौत के हवाले कर दिया था। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया, तब वहां 2,000 लोग मौजूद थे। पर आज भी दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता कि उसकी बॉडी को आखिर दफनाया किधर गया। वेल, आज 700 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर कोई भी उसकी बॉडी या उसके मकबरे को ढूंढ नहीं पाया है। तो कहां गई उसकी बॉडी और क्यों नहीं मिल रही हमें वो? वेल, इस कहानी की शुरुआत होती है 13th सदी में, यानी 1201 में, जब गेंगिस खान ने अपने दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के हर छोटे काबिलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इन काबिलों में से एक था जमूखा, जो शक्तिशाली दुश्मनों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि जमूखा का राजा गेंगिस खान का हाफ ब्रदर था। जमूखा के साथ लड़ाई करते वक्त अचानक से कहीं से एक तीर आई और गेंगिस खान की गर्दन को छू कर निकल गई। उस तीर को देख मानो गेंगिस खान ने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देख लिया था। लेकिन किस्मत से वो बच गया और युद्ध जीत गया। जीत के बाद उसने उस धनुर्धरी को बुलाया और उसे अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। और ऐसे ही युद्ध जीतते जीतते उसने एक से बड़े एक शातिर सोल्जर्स को अपने आर्मी में शामिल किया और अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि अपने राज के 40 सालों में गेंगिस खान का राज मंगोलिया के छोटे से काबिले से इस हद तक फैल चुका था। और फिर ऐसे ही एक दिन अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसकी नजर पड़ी तांगुट एम्पायर पर, जो कॉमनली वेस्टर्न शिया के नाम से भी जाना जाता था। इस रीजन में बेसिकली एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज बसी हुई थी, जो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, और अपनी 1.5 से 2 करोड़ लोगों से भरी आर्मी का पेट भरने के लिए गेंगिस खान की नजर इस पर पड़ी। ये एरिया गेंगिस खान की सेना का ना सिर्फ जरूरतें पूरी करने के काबिल था, बल्कि ये मंगोल एम्पायर को आर्थिक रूप से भी प्रबल कर देता। और इसीलिए एक दिन मौका देख साल 1205 में उसने वेस्टर्न जिया पर हमला बोल दिया। पर वहां पर राज करने वाला तंगूट एम्पायर इतना ताकतवर था कि ये युद्ध पूरे 5 साल तक लड़ा गया। हर युद्ध की तरह इसे भी गेंगिस खान ने अंत में जीता, लेकिन इस युद्ध के बाद उसकी सेना काफी कमजोर हो चुकी थी। इस 5 साल तक चले युद्ध में उसके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे, और अब वो उस पोजीशन पर नहीं था कि वो और किसी पर हमला कर सके। और ऊपर से जीत मिलने के बाद भी वेस्टर्न जिया के लोग उसकी बात सुनने के लिए राजी तक नहीं थे। वो उसकी हर बात को नकार दिया करते थे। और एक दिन ऐसे ही जब गेंगिस खान ने वेस्टर्न जिया से कुछ आर्मी की मांग की, तब उन्होंने हमेशा की तरह उसे नकार दिया। इस रिजेक्शन के बाद गेंगिस खान को इतना अपमान फील हुआ कि उसने फिर से एक बार वेस्टर्न जिया पर आक्रमण बोल दिया। लेकिन इस बार उन्हें जिंदा रखकर उन पर राज करने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से मिटाने के इरादे से। अब फ्रेंड्स, गेंगिस खान सभी को पता है क्रूएल और फेरोशियस राजा था, लेकिन वो काफी अमीर भी था। आपको पता है कुल मिलाकर उसके पास करीबन 120 ट्रिलियन डॉलर्स आज के तारीख में होते, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इतने मैसिव लेवल पर उसने अपने राज्य को फैलाया था। प्रतिशोध की आग में लिपटा गेंगिस खान शिया के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन ये आग शायद उसके आंखों के सामने इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अपने तरफ आता हुआ तीर दिखाई नहीं दिया, और वो तीर सीधा आके उसके घुटनों में घुस गया। लेकिन बदले की आग के सामने उस तीर की पीड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। गेंगिस युद्ध में इतना घुस चुका था कि उसने उस तीर को नजरअंदाज कर दिया, और वो वैसे ही घायल अवस्था में आगे बढ़ता रहा। अनफॉर्चुनेटली मंगोल्स ने ये युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि गेंगिस खान का जख्म उसके शरीर को अपने ग्रस्त में लेता चला गया। उसका जख्म इतना पक चुका था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया, और उसके पास अपने एम्पायर लौटने तक का भी समय और सेहत नहीं बचा था। शिया के खिलाफ पैदा हुई बदले की भावना गेंगिस खान के मौत का कारण बन गई। उस युद्ध के बाद गेंगिस अपने ही कैंप में घाव से हुए इन्फेक्शन से मारा गया, लेकिन अभी भी 40,000 लोगों की जान जानी बाकी थी। और इसकी शुरुआत हुई गेंगिस खान के मौत के बाद।
उसने मरने से पहले उसकी अंतिम क्रिया कैसी होगी ये पहले से ही लिख रखा था। और मंगोल परंपरा के हिसाब से अगर कोई राजा चाहे कि उसके मकबरे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी खबर किसी को नहीं लगने देते थे। और गेंगिस खान ने भी बिल्कुल यही लिखा था। इसीलिए युद्ध भूमि से अपने राज्य तक जब उसकी बॉडी को लेके जाया जा रहा था तब उसके सैनिकों ने हर उस इंसान और जानवर और जीव को मार दिया जिन्होंने भी उसे देखा था। और फिर अपने राज्य में पहुंचते ही 2000 लोगों को उसकी अंतिम विधि में आने का न्योता भिजवाया गया। लेकिन ये कोई साधारण न्योता नहीं था, ये न्योता था मौत का न्योता। सही सुना आपने, लोगों को मरने के लिए बुलाया गया था। अब ये लोग कौन थे और क्यों उन्हें मारा गया इस पर अभी भी हिस्टोरियंस की खोज जारी है। इन्हें मारने के बाद कौन सी जमीन को कहां खोदा गया, कहां गेंगिस खान को गाड़ा गया, इसके सुराग मिटाने के लिए सैनिकों ने 1000 घोड़ों को उस जमीन पर दौड़ाया ताकि जमीन दब जाए और एक रेगुलर जमीन जैसी दिखाई दे। और उसके बाद शुरू हुआ असली हत्याकांड। जो भी लोग उस अंतिम क्रिया में वहां पर मौजूद थे उन सभी लोगों को एक सैनिकों की टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर उस टुकड़ी को दूसरी सैनिक की टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने, और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो सारे नहीं मारे गए जिसे गेंगिस के मकबरे की खबर पता थी। इस हत्याकांड में करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई गेंगिस खान के नाम पे। और आज की तारीख में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पता है कि आखिर गेंगिस की बॉडी को कहां पर दफनाया गया। लेकिन 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 फ्रेंड्स, ये कहानी है जो बताती है कि क्यों आज भी हमें गेंगिस खान की बॉडी नहीं मिल पा रही है। ऐसी और भी दो स्टोरीज है जिसमें गेंगिस खान के साथ कुछ और हुआ है, सो आइए जरा वो स्टोरीज भी सुन लेते हैं। प्रतिशोध की आग में लिपटा गेंगिस खान शिया के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने शिया के आते हुए घोड़ों के झुंड को देखा वो इतना डर गया कि हड़बड़ाहट में वो अपने घोड़े से गिर गया और जख्मी हो गया। फिर उसे युद्ध भूमि पे मौजूद कैंप में ले जाया गया और वहीं पर उसकी मौत हुई। इसके बाद फिर वही हुआ जो पहले कहानी में हुआ था। रास्ते में सभी इंसान जानवर और जीवों को मार दिया गया, 2000 लोगों को मरने के लिए बुलाया गया, मकबरे के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। और फिर आया इस कहानी का अपना एंगल। घोड़ों को दौड़ाने के बाद उसके कब्र के बाजू से बहती ओनोन रिवर के बहाव को मोड़ के इनकी कब्र के ऊपर ला दिया गया। द रीजन वॉज क्योंकि इससे दो फायदे थे, पहला कि कोई नदी की गहराई में जाएगा नहीं और दूसरा इतना नीचे जाने के बाद कोई उसे ढूंढेगा कैसे और खोद के बाहर कैसे निकालेगा। और इसके बाद अगेन हत्याकांड शुरू। जिन्हें ये सब पता था उन्हें एक सैनिक की टुकड़ी ने आकर मार गिराया, फिर उस टुकड़ी को दूसरी सैनिक की टुकड़ी ने, और ये सिलसिला चलता गया जब तक वो सारे नहीं मारे गए जिन्हें भी गेंगिस खान के मकबरे की खबर थी। अब सुनते हैं तीसरी और आखिरी कहानी के बारे में। प्रतिशोध की आग में लिपटा गेंगिस खान शिया के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहा। शिया के आधे से ज्यादा परिवार को गेंगिस खत्म कर चुका था। जो बचे थे उसमें एक था प्रिंस और एक थी प्रिंसेस। और युद्ध के बीच में एक दिन गेंगिस खान को एक सपना आया। सपने में उसे दो चीजें दिखी, बर्फ और खून। और फिर उसने अपने सपने का मतलब ज्योतिष से पूछा तो उसने गेंगिस को बताया कि खून का मतलब प्रिंस और स्नो का मतलब प्रिंसेस। और फिर क्या था, गेंगिस खान ने अगले ही दिन प्रिंस को युद्ध में मार दिया और प्रिंसेस को अगवा कर लिया। और फिर ज्यादातर राजाओं की तरह उसने प्रिंसेस का रेप करना चाहा। और फिर जब वो करने के लिए आगे बढ़ा तब अचानक प्रिंसेस ने अपने बालों से खंजर निकाला और गेंगिस खान को कैस्ट्रेट कर दिया, यानी उसके प्राइवेट ऑर्गन को काट दिया। इस हादसे में गेंगिस खान का इतना खून बहा कि उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। और सैनिकों से बचने के लिए प्रिंसेस ने बाजू में मौजूद येल्लो रिवर में छलांग लगा दी और उसमें डूबने से उसकी भी मौत हो गई। और फिर अगेन यही सेम चीज रिपीट हुई और वही हत्याकांड यहाँ पर भी हुआ। लेकिन आज जिस माउंटेन रेंज में उसे दफनाया गया था वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है और इसीलिए वहां पर जाना या एक्सकेवेशन करना अलाउड नहीं है और इसीलिए हमें आज तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। वैसे मंगोलिया में और भी कुछ कहानियां हैं, जैसे कि जब गेंगिस खान की बॉडी को लाया गया था तब एक शैमन और 1000 गार्ड्स ने गेंगिस की आत्मा को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली थी। उनके मुताबिक अगर किसी को भी ये पता चले कि उसकी बॉडी कहां है और उसने बॉडी को खोद के निकालने की कोशिश की तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा।
अब आई नो ये सब एक बुलशिट फोकलोर है, या पहली बताई गई तीनों कहानी में से आपको कोई कहानी रियल लग रही है, या फिर ऐसे ही टाइम पास मसाला मारने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई स्टोरीज लग रही है, जो कि हर देश में होता है क्योंकि हमें मिस्ट्रीज बहुत पसंद आती है। आपकी क्या राय है फ्रेंड्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको ये सब स्टोरीज लग रही है तो क्या आपको पता है गेंगिस खान का रियल टूम कहां पर है? वेल, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेल्फ लाइफ फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।